नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त कुलदीप सिंह सिरसा अपडेट पर आपका स्वागत है। दोस्तों आप देख सकते हैं सिरसा के अंदर जश्न का माहौल है, इतना जश्न है कि लड्डू खिलाए जा रहे हैं, आतिशबाजी की जा रही है। सिरसा के अंदर देख सकते हैं एक जश्न का माहौल बना हुआ है। ये जश्न माहौल, जश्न क्यों मनाया जा रहा है सर, क्या प्रोग्राम है? प्रोग्राम तो जी ज्वाइनिंग का है, भाई को टिकट मिलेगी, जीतेंगे। ये तो अभी ये जश्न है, जीत का जश्न तो अलग होगा हमारा। सिरसा में धमाका हो चुका, हरियाणा में धमाका हो चुका है, आप लाइव देख सकते हैं। गोकुल सेतिया ने कांग्रेस पार्टी को ज्वाइन कर लिया है, आप लाइव देख सकते हैं, लाइव देख सकते हैं। जश्न मनाओ, इधर बनाओ, इधर। पहले 10,000 वोटों से जीते थे, आज गोकुल सेतिया ने कांग्रेस ज्वाइन किया है तो अब 35,000 वोटों से गोकुल भाई जीत चुके हैं। सरसा के हर बच्चे, बड़े बुजुर्ग, माता बहनों, हर किसी की जुबान पर सिर्फ एक ही नाम है, गोकुल सेतिया। और वही नाम रहेगा, सेवादार है वो सिरसा का सच्चा। कोई नहीं, गोकुल गोकुल जी बल्ले बल्ले, बाकी सारे सर। गोकुल सेतिया के कांग्रेस में आने से क्या समीकरण बनते हैं? समीकरण तो पहले ही बने हुए थे, ये तो सिर्फ एक वो प्रत्यक्ष को प्रमाण देने की जरूरत नहीं है। मार्जिन बढ़ा, मार्जिन अब ये बढ़ा है। जीत हमारी पक्की थी, जीतते हैं, जीतेंगे, जीत के दिखाएंगे। गोकुल सेतिया जिंदाबाद। दो विचारधाराओं का सिरसा में एक होना, क्या एक सिरसा के लिए एक नई उम्मीद लेके नहीं लेके आएगा? सर बिल्कुल उम्मीद लेके आएगा, नहीं उम्मीद आ चुकी है। आप ये बात छोड़ दो, जो अब काम होगा, काम कैसे होगा, काम कैसे होगा और कैसे किया जाएगा, वो हमारे सेतिया साहब अब जीत के और हम सब आपको करके दिखाएंगे। मैंने आपको दो दिन पहले क्या बात बोली थी, तो वो होगी ना सही? बिल्कुल जी बिल्कुल, आप मैंने आपको दो दिन पहले आपको बात बोली थी, वो सही होगी ना? तो आपको क्या लगता है गोकुल सेतिया के कांग्रेस में आने से दूसरे पक्ष में क्या माहौल होगा? आपके सामने ही है, आपके सामने ही है, तो मुझे कहने की जरूरत ही नहीं है। अब वहाँ माहौल आपको भी पता है कैसा है, कल परसों आपने 1 तारीख को देखा ही होगा माहौल क्या था, दिहाड़ी पे काम चल रहा था, आज दिहाड़ी दोबारा ज्वाइन हो गया लोग। इन लोगों का कहना है कि कल जो भीड़ बुलाई गई थी वो दिहाड़ी पे बुलाई गई थी, ये आज की भीड़ कैसी है? सर जो भीड़ है वो आपको दिख रही है, आप इनसे एक एक बंदे से एक एक परिवार है, ये सब सबको परिवार है, भाईचारा है सारा। आप सबकी तरफ कैमरा करें और देखें कि कोई दिहाड़ी वाला बंदा लग रहा है आपको? पैसे से पैसा लगा के अपनी तरफ से गाड़ी ला के सीएम देखना चाहते हैं, मंत्री तो छोटी बात है। तो सिरसा के लोगों ने अनाउंस कर दिया है, डिक्लेयर कर दिया है कि गोकुल सेतिया को मंत्री देखना चाहते हैं। बिल्कुल मंत्री देखना चाहते हैं, मंत्री बन के आएगा, हमारी जनता देखनी चाहती है, हम नहीं देखना चाहते, ये सिरसा की जनता देखना चाहती है। सिरसा के लोगों ने तो क्लियर कर दिया कि गोकुल सेतिया ने कांग्रेस ज्वाइन कर ली और वो मंत्री बन के सिरसा पहुंचने वाले हैं। नाना की तरह गृह विभाग लेके आएंगे, गृह विभाग लेके बिल्कुल लेके आएंगे, आपके सामने होगा, देख लेना। सिरसा में क्या कुछ बदलेगा? सिरसा में सब कुछ बदलेगा, ये आप देख रहे हो उसकी मेहनत को, सब भाई ने अपना अनाउंस किया हुआ है, जो जो बदलेगा वो तस्वीर बदलेंगे जी, वो आएंगे। सिरसा गोकुल सेतिया किसी पार्टी में नहीं था, कि सत्ता में नहीं था, फिर भी उसने तहलका मचा रखा था, बड़े बड़े भ्रष्टाचारों को पकड़ता था, बड़े बड़े मुद्दों को उठाता था, अब सत्ता में आ गया तो क्या करेगा? पहले तो उन्होंने मेहनत बहुत की है जी, मेहनत का फल है उनकी, अब उनके बाद उसके बाद अब तो पार्टी जब उनको पार्टी का साथ मिला है तो वो मंत्री बन के ही निकलेंगे वहाँ से साथ हुए। पहले भी बोला था शासन और प्रशासन दोनों चाहिए, फिर काम होगा, एक से काम नहीं होगा, और वो अब दोनों आएंगे तो काम आपके सामने होगा जो भी होगा। पिछली बार गोकुल सेतिया जी सिर्फ 602 वोटों से हारे थे, अब की बार आपको कितना मार्जिन जीत का लगता है? 10 गुना गया था भाई साहब, 10 गुना कर दो आप, उससे प्लस होगा, उससे प्लस होगा, 35,000 वोटों से जीतेंगे। मेरी बात आज नोट कर लो आप पत्रकार हो। सिरसा में ब्रेकिंग न्यूज, सिरसा में धमाका हो चुका है,
सिरसा के लोगों ने अनाउंस कर दिया है कि गोकुल सेतिया 35,000 वोटों के मार्जिन से सिरसा लोकसभा से विधानसभा से जीतेंगे। आप देख सकते हैं जश्न का माहौल बना हुआ है, सिरसा के अंदर आतिशबाजी की जा रही है, लड्डू खिलाए जा रहे हैं और ये सिर्फ बिश्नोई जो अब सभा के सामने से देख सकते हैं, ये सिर्फ यहाँ का नजारा नहीं है, सिरसा के किसी भी कोने में आप चले जाओ हर जगह लड्डू खिलाए जा रहे हैं, हर जगह बांटे जा रहे हैं लड्डू। अभी तो इलेक्शन से पहले इन्होंने तो जीत के लड्डू पहले बांट दिए, तो अब देखना क्या है सिरसा में क्या धमाका होता है। तो आप देख सकते हैं अब की बार गोकुल सरकार बस अब की बार गोकुल सरकार विकास होगा, कोई सड़क कोई नाला कुछ ऐसा नहीं रहेगा, सब हमारा भाई उसको क्या करेगा। और आप रोड देखना कुछ भी देखना वो करे ना करे, आप हमसे आगे बात करना, हमारा काम यहाँ होके मिलेगा। गोकुल सेतिया ने तो पहले ही लोगों के नाक में दम कर रखा था, बड़े बड़े अफसरों के जो अगर भ्रष्टाचारी थे उनको खुल के चैलेंज देता था, लेकिन अब सत्ता में आ चुका है। सिरसा के लोगों ने अनाउंस कर दिया है पूरा साथ देंगे और एक तरफा जीत के गोकुल सेतिया को ये विधानसभा में भेजेंगे। और इनका कहना है कि गोकुल सेतिया कोई ना कोई बड़ा विभाग जरूर लेके आएंगे और सिरसा का विकास करेगा। तो धन्यवाद साथियों, मैं आपका दोस्त कुलदीप सिंह सिरसा अपडेट की तरफ से जय हिंद जय भारत।